पास सर आईएक्स का है 284.40 रुपए के भाव से 100 शेयर है और अभी सर 140 चल रहा है, इसमें मुझे लॉस हो रहा है। और एक ऊर्जा ग्लोबल है सर मेरे पास 25.08 रुपए के भाव से जी, तो उसमें मुझे क्या करना चाहिए सर? मेरी ऐसा कुछ नहीं है, 2-3 साल पॉइंट है अभी मेरे पास, मैं रख सकता हूँ, तो मुझे बताइए सर एवरेज करना चाहिए या मुझे होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए? ठीक है, आपके लिए सलाह लेते हैं। पिछले साल का ये सुपरस्टार शेयर है रवि, आईएक्स हमने देखा था कि करीब करीब अब प्राइस 4 गुने के आसपास तक इसके हो गए थे, लेकिन अब जो भी तेजी थी पिछले साल की वो इस साल शेयर ने गंवा दी है और अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं अवनीश। 284 रुपये के आसपास की इनकी बाइंग प्राइस है आईएक्स में। प्रॉब्लम क्या है आप ये बताइए, और अवनीश अभी बने रहें, थोड़ा समय दें या फिर कहीं और स्विच कर लें? देखिए अभिषेक जी, आईएक्स में अगर देखा जाए तो इसके फाइनेंशियल अच्छे हैं और खास तौर से स्टेबल ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बाद से इसमें थोड़ा सा निगेटिविटी एक देखने को मिली थी और इसी वजह से ये स्टॉक्स में एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला था। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो मुझे फिलहाल अगर ओवरऑल फंडामेंटल स्ट्रक्चर पर अगर देखा जाए तो लगता है कि स्टॉक में कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं दिखाई देता। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट में भी यहाँ पर ऐसा बहुत ज्यादा उतार और चढ़ाव नहीं देखने को मिलता है, तो मैं यहाँ पर एक्चुअली में अगर देखा जाए तो जिसके पास पोजीशन है कुछ खास यहाँ पर डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इतना बड़ा अप ट्रेंड देखने को मिलेगा कि 284 रुपए का लेवल आए या फिर ये कहें। अगर गिरने की बात करें तो ये तो क्लियर है कि यहाँ से स्टॉक गिरने वाला नहीं है, बहुत ज्यादा अगर करेक्शन आता भी है तो 130 और 120 के पास आके वापस से आपको बाइंग देखने को मिल जाएगी। लेकिन जो रनअप 285 का है वो थोड़ा दूर जरूर दिखाई देता है, तो अभी के हिसाब से जो अभी सिनेरियो यहाँ पर बन रहा है मुझे लगता है थोड़ा सा समय और देना चाहिए और आपको 2-3 महीने का समय यहाँ पर और दीजिए। अगर इस स्टॉक में मोमेंटम नहीं आता तब स्विच करने की मैं राय ज्यादा दे पाऊंगा कि आप तब स्विच करने की सोचिए। फिलहाल अभी यहाँ पर 120 के लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर रनअप आता है तो इस स्टॉक में एक बार 180 और 185 तक के लेवल तो दिखा सकता है, तो उसके बाद आपको पोजीशन यहाँ पर देखनी पड़ेगी स्विच करने के। सलाह यह है कि 120 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, 285 थोड़ा दूर हो जाएगा लेकिन 180-185 के रेंज में ये शेयर जाता हुआ दिखाई देगा आपको और वहां पर आपको फिर से अपने इस होल्डिंग की समीक्षा करनी चाहिए। लेकिन अवनीश ये बताइए कि ऊर्जा ग्लोबल आपके शेयर कितने हैं और किस भाव पर हैं? 8 पैसे के भाव पे 1020 शेयर है। आप जरा फिर से भाव बताइए सर। 25.08 रुपए के भाव पे 1020 शेयर है। ठीक है, 25 रुपए के भाव पर हैं ऊर्जा ग्लोबल के शेयर और अब ये ट्रेड कर रहा है 10 रुपए के आसपास ऊर्जा ग्लोबल का। अब रवि काफी नुकसान है क्योंकि हमने देखा था कि ये जो शेयर रहा है अब पिछले 6-8 महीने से तो बिल्कुल एक टाइट रेंज में है। उसके पहले हमने देखा था कि ये 25-30 रुपए के आसपास से गया था लेकिन वहीं से अब ये टॉप बना के फिर नीचे आ गया। अब इसके बारे में आपकी क्या राय होगी, क्योंकि देखिए इसका अगर आप इसको वैल्यूएशन के लिहाज से देखेंगे तो ये शेयर बहुत ज्यादा महंगा दिखाई देगा, पीक 400 से ऊपर का है। देखिए अभिषेक जी, एक्चुअली में ये वो स्टॉक नहीं है जिसपे कि आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले, स्पेकुलेटिव स्टॉक्स ज्यादा है। आपने पीछे हिस्ट्री में अगर देखते हैं तो आपको काफी तेजी से आपको जो है वो बाइंग फ्रीज और सेलिंग फ्रीज दोनों लगते हुए दिखाई दिए। 10 रुपए के पास स्टॉक चल रहा है, अगर आप यहाँ पे बने रहेंगे तो बहुत जल्दी 5 रुपए भी आ सकता है, क्योंकि फंडामेंटल नंबर्स बिल्कुल अच्छे नहीं है और चार्ट पे भी आपको अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब भी स्टॉक खरीदे मैं बार बार कहता हूँ कि एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिए, नहीं है तो लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिए कि अगर आप 10% कमा रहे हैं तो कम से कम 3-4% का एक स्टॉप लॉस जरूर रखिए कि अगर मुझे 10% नहीं आएंगे तो 3% के नुकसान पे मैं निकल जाऊंगा। फिलहाल इस स्टॉक से पूरी तरह से बाहर निकलना चाहिए और मुझे लगता है कि आप किसी अच्छे स्टॉक में निवेश करिए। ये स्टॉक्स के फंडामेंटल भी सपोर्ट नहीं कर रहे, टेक्निकल भी सपोर्ट नहीं कर रहे, स्पेकुलेटिव स्टॉक्स है, वॉल्यूम कम है, तो आप फंसे ही रहेंगे, ज्यादा कुछ खास इसमें है नहीं। तो आपके दोनों ही काउंटर्स पे आपको राय दे दी गई है, यहाँ पे आपको नुकसान जरूर हो रहा है, पर इस बीच अगर निफ्टी पे नजर डाल